ये है तुम्हारा कमरा? हाँ फरीब, अब तुम्हारे कमरे की तरह आलीशान तो नहीं हो सकता, अब तो यही है। फहद, आज हमारी शादी हुई है और तुमने मेरे इस्तकबाल के लिए रूम डेकोरेट भी नहीं किया है। ये होता है वेडिंग रूम? फरीब, मौका ही कहाँ मिला? तुम्हें पता तो है ना, कोई मेरा भाई है ना बहन और ना अब्बू, कौन सजाता बताओ। मौका नहीं मिला? बाहर से किसी को बुला लेते, खुद कर लेते। कितना टाइम लगता है एक रूम डेकोरेट करने में? 1 घंटा। आजकल तो फ्रेश फ्लावर्स का बुके या सेंटेड कैंडल्स रख के भी रूम डेकोरेटेड लगता है, लेकिन इन सब के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। व्हाट, तुम मुझे पैसों को ताना दोगी? ताना नहीं दे रही, सिर्फ एक बात कह रही थी। इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है। देखो फरी, तुम्हें मेरे हालात भी पता थे और मेरी क्लास का भी पता था। पहले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। जब तुम हाथों में हाथ डल के पूरे कॉलेज में मेरे साथ घूमा करती थी, तब तुम्हें ख्याल नहीं आया, और अब ये बातें क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम मेरा गुरूर हो, मेरी मोहब्बत हो, और जो तुम लोग पहले दिन की दुल्हन को कुछ भी कह लो, किसी भी तरह का इस्तकबाल कर लो, वो ठीक है। मैंने कुछ कह दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया? ये थी तुम्हारी मोहब्बत जिसका दम भरते थे तुम? अच्छा ना फरीब, कोई और बात करें। आज की रात मेरा मूड मत खराब करो। लो, अब तुम्हारा मूड क्यों खराब हो रहा है? मूड तो मेरा खराब होना चाहिए इस तरह की शादी पर। ये जो इतना सब कुछ मैं सह रही हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की वजह से। वरना आज के जमाने में कौन आंखों देखी छलांग लगाती है? मैंने तुमसे बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। फरीब, प्लीज काम डाउन। सॉरी। I'm sorry.